You are welcome on CMA Heights channel. Today we are going to discuss class which belongs to your paper number 15, जो कि CMA आपके final group third का paper है. Paper का नाम है Strategic Cost Management Decision Making. और जो ये class आज हम ले रहे हैं, ये class का number है 83. तो इसकी प्रस्तुति आपके सामने है, जो कि study notes को follow करते हुए हम कर रहे हैं. अभी हम simulation 6.5 टॉपिक कर रहे थे. तो 6.5 टॉपिक्स में हमने सिमुलेशन में आपके इलस्ट्रेशन इमीडिएट जो क्लास थी, इमीडिएट पास्ट क्लास, उसमें हमने 27 नंबर तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. अब हम इलस्ट्रेशन 28 को लेके चल रहे हैं. तो अब शुरू करते हैं. ए स्मॉल रिटेलर हैज स्टडी द वीकली रिसिप्ट एंड पेमेंट ओवर द past 200 weeks and has developed the following set of information. एक रिटेलर साहब ने क्या किया है, इन्होंने वीकली रिसिप्ट और पेमेंट का 200 वीक्स का डाटा को इन्होंने इकट्ठा किया है. उस डाटा को इन्होंने इस एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिया है, प्रोबेबिलिटी मॉडल के रूप में. तो इन्होंने देखा कि वीकली रिसिप्ट जो इनको मिली 3000, 5000, 7000 और 12000, तो इनका जो इनकी जो प्रोबेबिलिटी थी, जो इनकी प्रायिकता थी, वो कितनी थी, 3000 की जैसे 0.2, यानी कि 20% चांस मिले इनको आउट ऑफ 200 वीक्स में, जिसमें 3000 की रिसिप्ट आई, 3000 की रिसिप्ट आई. अकॉर्डिंग ऐसे ही इन्होंने फिर 3.30 जो है वो 500 के लिए आया, 7000 आपका 0.4 के लिए आया, और इस तरह से ये आपका 0.1, यानी 10% ऐसे चांस थे कि जहाँ पे आपको बेसिकली 12000 रिसिप्ट आई. हम प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में नहीं बोलते हैं, यूजुअली हमें ऐसे ही बोलना पड़ता है फ्रैक्शन, इसमें डेसिमल के पॉइंट में. ऐसी जो इनको पेमेंट्स का डाटा है, 4000 पेमेंट्स इनको करना पड़ा, इसकी प्रोबेबिलिटी 30 बाई 100 कहें या 0.30, 600 के लिए 0.40, 800 के लिए 0.20 एंड 1000 के लिए 0.10. यूजिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रैंडम नंबर्स, सिमुलेट द वीकली पैटर्न ऑफ रिसिप्ट एंड द पेमेंट फॉर द 12 वीक्स फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, एज्यूमिंग फर्दर दैट द बिगनिंग बैलेंस इज 8000. तो ये कह रहे हैं कि इस सेट इंफॉर्मेशन को, ये जो आपका पास्ट इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये 200 वीक का जो इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठा किया है, इसको यूज करते हुए, और आपको क्या करना है, जो रैंडम नंबर ये नीचे दिए हुए हैं, इन रैंडम नंबर को यूज करते हुए हमें क्या करना है, सिमुलेट करना है आपको. सिमुलेट क्या करना है, वीकली पैटर्न ऑफ पेमेंट एंड रिसीव फॉर 12 वीक्स. तो ये जो इन नंबर्स को हम यूज करेंगे, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है पेमेंट्स और रिसीव का, इसको हम जैसे हमने पहले भी किया सवाल, उसी तरह से इसको हमें पैटर्न निकालना है. बिगनिंग बैलेंस 8000 है, तो ये इन्होंने दिया हुआ है. तो इसके लिए सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये आपका, इसको आप ऐसे समझिए कि ये आपका रिसिप्ट का डाटा है ये वाला इतना, और ये वाला पेमेंट का डाटा है जो इनको पास्ट वीक का मिला था. तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो डाटा कलेक्ट हमने किया था. 3000 रिसिप्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.20, 5000 की 0.30, 7000 की 0.40 एंड 12000 की 0.10. सो वी, ये इसके बाद हम कमलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. कमलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे है कि हम इसको जोड़ते चले जाते हैं आगे, जैसे 0.20 इसमें आप ये इसमें आप अगर अगली प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे, जैसे इसमें दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये आपका ऐसे आ जाएगा. सिमिलरली आप यहाँ इसको जो इसके साथ जोड़िए तो ये आपका आंसर आएगा, और फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो आपका आंसर ऐसे आएगा. ये प्रोबेबिलिटी आपकी कमलेटिव हो जाएगी, ठीक है. इसके हिसाब से फिर आप यहाँ एक रेंज डिसाइड करते हैं. इस रेंज में क्या, रेंज क्यों करते हैं, रेंज में ही हमें वो रैंडम नंबर यूज करने होते हैं जिससे हम एक पैटर्न सिमुलेट करेंगे. तो इस केस में आपकी जो कमलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.20 है, तो यहाँ आपकी रेंज 0 से 19 हो जाएगी. 0.20 मतलब 20, तो एक कम आपको यहाँ रखना पड़ता है. ऐसे ही आपकी 20 से 49, 50 से 89 और 90 से 99. तो ये आपकी एक रेंज आ गई. इसमें आप
जो आपके रैंडम नंबर दिए हुए हैं उसके हिसाब से आप अपना रिसिप्ट का वो निकालेंगे और रिसिप्ट को सिमुलेट करेंगे। सिमिलरली ये आपका पेमेंट्स का डाटा है, तो यहाँ पेमेंट्स के डाटा में कैसे करना है कि पेमेंट्स आपको 4000, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.30, 6000 की प्रोबेबिलिटी 0.40, 8000 की प्रोबेबिलिटी 0.20 और 10000 की प्रोबेबिलिटी 0.10। तो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी इज 0.30 एंड हेयर अगेन यू हैव टू प्लस दिस वन विद दिस इमिडिएट, जो आपकी पहली कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है उसमें अगली को आप प्लस कर देंगे तो 0.70 अगेन टू बी एडिड विद दिस वन, तो यू विल गेट 0.90 एंड सो ऑन दिस यू विल गेट वन हेयर, राइट। तो अगेन रेंज हम इसका निकालेंगे पेमेंट्स का, तो 30 यहाँ देखो 0 से 29 एंड दिस 30 to 69 ईयर 70 to 89 एंड 90 to 99। तो ये तो आपका एक हमारा अभी तक कहाँ तक हो गया कि हमने कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल के रेंज डिफाइन कर ली। हमने क्या कर लिया, रेंज डिफाइन कर ली अपनी रिसिप्ट की और रेंज डिफाइन कर ली पेमेंट्स की। अब जो रिसिप्ट और पेमेंट का जो रैंडम नंबर दिए हैं उस रेंज के देखेंगे हम वो रैंडम नंबर किस रेंज में आ रहे हैं और उसी रेंज की हम करस्पॉन्डिंग पेमेंट्स या रिसिप्ट का डाटा ले लेंगे जिससे हम प्रॉब्लम को सिमुलेट करेंगे। तो देखिए ये 12 पीरियड्स का डाटा दिया हुआ है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये रैंडम जो नंबर्स हैं ये उस रेंज में हम फिट करके देखेंगे जो हमने रेंज अभी निकाली है कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी के बेस पे। ये आपकी रिसिप्ट की है और ये वाली जो जो रैंडम नंबर है वो पेमेंट्स के हैं, तो इनको हम पेमेंट्स वाली रेंज में फिट करेंगे। तो अब प्रॉब्लम को सिमुलेट करते हैं, ठीक है। ये आपका रैंडम नंबर इन्होंने लिया हुआ है यहाँ पे, इसका ये रिसिप्ट का लिया हुआ है और ये वाला पेमेंट्स का लिया हुआ है। तो ठीक है, आप वीक फर्स्ट में ये रैंडम नंबर यूज करेंगे। सबसे पहला रैंडम नंबर आपके पास क्या है रिसिप्ट के लिए, 3, ठीक है, और पेमेंट्स के लिए 61। तो दो नंबर आप थोड़ा सा रिमेम्बर थोड़ा सा रिटेन कीजिए एक एक अगले एक दो मिनट के लिए। पेमेंट्स का जो नंबर है रैंडम नंबर 61 और रिसिप्ट का 3 है। तो देखिए रिसिप्ट में 3 कहाँ आएगा इसमें, यानी कि फर्स्ट वीक में आपको क्या पेमेंट्स मिलने की संभावना है या रिसिप्ट मिलने की संभावना है, 3 आपकी ये 3000 और 69 डाटा था ना, वो 69 था उसका पेमेंट्स का, तो पेमेंट्स का 61 सॉरी नॉट 69 61। तो 61 कहाँ पे फॉल करेगा, 61 फॉल करेगा यहाँ पे। तो आपका पेमेंट कितना होने की कितना हो सकता है, 6000। तो देखिए यहाँ पे इसको रख लिया इन्होंने, रैंडम नंबर 3 यूज किया, इससे इसका करस्पॉन्डिंग रिसिप्ट 3000 आई। इसमें पेमेंट्स के लिए रैंडम नंबर आपने 61 यूज किया, इससे 6000 आपका एक्सपेक्टेड पेमेंट हो गया। तो एक्सपेक्टेड जो आपकी रिसिप्ट है वो 3000 है, एक्सपेक्टेड पेमेंट आपका 6000 है, यानी कि। और एक बात और दे रखी थी क्वेश्चन में कि आपका ओपनिंग बैलेंस 8000 है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। देखिए ओपनिंग बैलेंस आपका कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, एज्यूमिंग फर्दर दैट द बिगनिंग बैलेंस बैंक बैलेंस इज 8000। तो 8000 आपका बिगनिंग बैलेंस है, 8000 में जब हमारे पास रिसिप्ट आई कितनी आई, 3000 रिसिप्ट आई, 8000 प्लस 3000 हो गया, और आउटफ्लो कितनी हो गई, पेमेंट कितना करना पड़ा हमारा, 6000। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस बन गया, ठीक है। तो जो ये क्लोजिंग बैलेंस बना कितना बनेगा, ये दिस विल बी 5000, राइट। तो सेकंड वीक के लिए देखेंगे, सेकंड वीक के लिए आपके जो ओपनिंग बैलेंस कितना बन जाएगा, 5000। और रैंडम नंबर हम वहां से लेके आते हैं, देखिए रैंडम नंबर हम लेके आते हैं, रैंडम नंबर हो गए 91 और 96। तो रिसिप्ट के लिए 91 है और पेमेंट के लिए 96 है। तो देखिए आपका रिसिप्ट के लिए 91 है, 91 कहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए 91 इस रेंज में आता है। तो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट कितनी हो सकती है, 12000। और 96 कहाँ आ रहा है, 96 यहाँ आ रहा है, एक्सपेक्टेड पेमेंट कितना हो सकता है, 10000, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे हमने 12000 और 10000 और इसके साथ साथ आपका जो था देखिए 5000 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या बनेगा, 5000 प्लस 12000
-10,000, तो 5 + 12 हो गया कितना, 17 माइनस 10 करेंगे तो 7,000 आपका ये इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो जो ये 7,000 क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले वीक के लिए ओपनिंग हो जाएगा। तो थर्ड वीक के लिए देखिए रैंडम नंबर्स क्या हैं, थर्ड वीक के लिए 38 और 30। तो 38 पे आप कहाँ रेंज आ रही है, 38 यहाँ पे आ रहा है, यानी एक्सपेक्टेड रिसिप्ट जो है 5,000 है, और 30 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो 6,000 इज द एक्सपेक्टेड पेमेंट। तो थर्ड वीक में 5,000 एक्सपेक्टेड रिसिप्ट है और 6,000 एक्सपेक्टेड पेमेंट है, तो आपका 7,000 प्लस 5,000 12,000 हो गया आपका, आपके पास अवेलेबल फंड, और आउटफ्लो कितनी हो सकती है 6,000। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना बनेगा, 6,000, 12,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 6,000। फोर्थ वीक के लिए देख लीजिए, फोर्थ वीक के लिए आपके पास रैंडम नंबर क्या है, फोर्थ वीक के लिए रैंडम नंबर आपके पास 55 और 32। तो 55 आपका रिसिप्ट के केस में यहाँ पे फॉल करता है, यानी कि 7,000 रुपये आपको रिसिप्ट होने की संभावना हो सकती है, और आपका जो पेमेंट आएगा, जो पेमेंट आएगा वो आपका 32, ठीक है, 32 कहाँ पे आएगा, 32 यहाँ पे आएगा, तो 6,000 की आउटफ्लो हो सकती है ना, 6,000 की आउटफ्लो हो सकती है। तो 7,000 का रिसिप्ट है आपका और 6,000 का आउटफ्लो है, यानी कि आपको जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है 1,000 रुपये से बढ़ जाएगा इस तरह से, क्योंकि 7,000 रुपये आपको रिसिप्ट हो सकते हैं और कितना हो जाएगा, 6,000 आपको पेमेंट करना पड़ सकता है, ओपनिंग बैलेंस 6,000 था। तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, जस्ट यू हैव टू फिट द रैंडम नंबर्स इन कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी रेंज, जो आपकी रेंज आई है उसके उसमें करके आपको एक्सपेक्टेड वैल्यूज को जस्ट देखना है, ठीक है। ऐसी अगर आप फिफ्थ वीक के लिए बात करें तो देखिए फिफ्थ वीक के लिए आपका 1, 2, 3, 4, 5, 17 और 3, तो 17 कहाँ फॉल करता है, यहाँ पे, यानी कि 3,000 आपको रिसिप्ट हो सकती है, और 3 विल कम हेयर ओनली, तो 3 में आपकी एक्सपेक्टेड पेमेंट 4,000 हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे देखिए फिफ्थ वीक में 3,000 इज द रिसिप्ट एंड 4,000 इज पेमेंट, 7,000 वाज ओपनिंग बैलेंस, तो 7 + 3 इज इक्वल टू 10 - 4, क्लोजिंग बैलेंस विल बी 6,000 ओनली। कम ऑन द सिक्स्थ वीक, जब आप छठे वीक पे आएंगे तो आपको रैंडम नंबर है 46 और 88। 46 कहाँ पे आएगा, 46 विल कम हेयर, 5,000 इज लाइकली रिसिप्ट, एंड 88 विल कम हेयर, तो 8,000, 5,000 और 8,000, राइट, 5,000 और 8,000 इन सिक्स्थ वीक। सो 5,000 माइनस 8,000 एंड 6,000 वाज अवेलेबल अर्लियर, तो 6,000 + 5,000 इज इक्वल टू 11,000 माइनस 8,000, देन क्लोजिंग बैलेंस विल बी 3,000 ओनली। कम ऑन सेवंथ वीक, तो ऑन सेवंथ वीक यू विल हैव दिस 32 और 48 फॉर द रैंडम नंबर फॉर रिसिप्ट एंड द पेमेंट रेस्पेक्टिवली। सो इफ वी आर मूविंग दिस 32 विल फॉल हेयर सर्टनली, तो वी मे एक्सपेक्ट 5,000 एज रिसिप्ट एंड 32 and this 48, right? तो 48 विल बी समवेयर हेयर, सो एक्सपेक्टेड जो आपका एक्सपेक्टेड पेमेंट इज 6,000 ओनली, राइट, तो 5,000 and 6,000 कम ऑन दिस रेंज, आई बिलीव इट वॉज दिस सेवंथ वीक, 5,000, 32 and 48, तो 32 पे आपका जो ये 5,000 and this 6,000, 3,000 वॉज इनिशियल सॉरी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अर्लियर मंथ which will become the opening for this week, sorry, month, month मैंने गलत बोल दिया, तो आपका 3,000 plus 5,000, 8,000 और 6,000 minus करेंगे तो 2,000 will be the closing balance. 8 week के लिए क्या है, 8वें सप्ताह के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 43 and 28, तो 43 it will be here 5,000 and 28 is here this 4,000, right? So 5,000 and 4,000.
5000 इज द दिस रिसिप्ट लाइकली रिसिप्ट एंड 4000 इज पेमेंट एक्सपेक्टेड आउटफ्लो. सो 2000 वाज इनिशियल बैलेंस. सो दिस 5000 प्लस 2000 7000 माइनस 4000 3000 विल बी द क्लोजिंग बैलेंस राइट. कम ऑन नेक्स्ट वीक दैट इज 9th वीक. सो यू हैव 69 and 88. 69 and 88 रैंडम नंबर फॉर पेमेंट एंड सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट रेस्पेक्टिवली. तो 69 विल फॉल हेयर. रिसिप्ट इज 7000 एंड 88 विल बी हेयर दिस 8000 7000 एंड 8000 राइट. तो 7000 एंड 8000 नाइन्थ वीक ईयर आपका. तो 3000 वाज क्लोजिंग बैलेंस. तो 3000 प्लस 7000 माइनस 8000 तो बैलेंस विल बी 2000 ओनली. कम ऑन टेंथ वीक क्या रैंडम नंबर है दसवें वीक के लिए. 72 and 18 72 विल बी हेयर ओनली यानी कि 7000 एंड 18 इज 4000. तो 7000 and 4000 राइट. 7000 आपको एक्सपेक्टेड रिसिप्ट हो सकती है 4000 एक्सपेक्टेड आउटफ्लो हो सकता है. तो 2000 वाज क्लोजिंग बैलेंस विच विल बिकम ओपनिंग इन दिस केस फॉर 10th वीक. तो 7000 प्लस 2000 इज 9000 माइनस 4000 तो यू विल गेट दिस 5000 इज द क्लोजिंग बैलेंस फॉर 11th वीक. 24 and 71 24 विल फॉल सर्टेनली हेयर. तो 5000 इज एक्सपेक्टेड रिसीव एंड 71 इज बेसिकली हेयर. तो 8000 राइट ओके. तो 8000 ये आपका कहाँ पे आ गया ये 11वीं वीक में. ये 5000 प्लस और 8000 सॉरी 5000 इज रिसीप्ट इट टू बी एडेड विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अर्लियर वीक. तो 5000 प्लस 5000 इज इक्वल टू 10000 एंड एक्सपेक्टेड आउटफ्लो इज 8000. तो यू विल हैव 2000 इज अ क्लोजिंग बैलेंस राइट. कम ऑन द लास्ट वीक दैट इज 12th वीक. 22 एंड 99 आर द रैंडम नंबर. 22 विल फॉल हेयर. तो 5000 इज द एक्सपेक्टेड रिसीव एंड 99 इज द 10000. तो दिस 5000 एंड 10000 राइट. 5000 इज रिसीव्ड 10000 इज आउटफ्लो. इन क्लोजिंग बैलेंस वाज 2000 ओनली. तो देयर इज शॉर्टफॉल ऑफ 3000 रुपीस इन द लास्ट वीक. तो व्हाट एग्जैक्टली दे आर आस्किंग फ्रॉम अस व्हाट इज द एस्टिमेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ 12th वीक 12 वीकली पीरियड. तो 12वें वीक के अंत में आपका क्या क्लोजिंग बैलेंस है माइनस 3000 इज डायरेक्टली आंसर है. और फिर ये क्या पूछ रहे हैं आपके पास व्हाट इज द हाईएस्ट वीकली बैलेंस ड्यूरिंग द क्वार्टर. तो हाईएस्ट वीकली बैलेंस आपका कहाँ पे आ गया देखिए इस पूरे में देखते हैं कहाँ पे आ गया. ये तो इनिशियल बैलेंस था तो इसको छोड़ देते हैं. आपका यहाँ कहाँ पे आ रहा है इस वाले पूरे पूरे क्लोजिंग बैलेंस वाली रेंज में देखिए यहाँ पे आपका ये 5000 है. आप यहाँ से देखिए तो ये आपका 7000 आपका आ रहा है. ये 7000 आपका आ रहा है हाईएस्ट बैलेंस राइट. 7000 बैलेंस आपका हाईएस्ट हो रहा है. और क्या कह रहा है व्हाट इज द एवरेज वीकली बैलेंस फॉर द क्वार्टर. तो एवरेज वीकली बैलेंस कैसे निकलेगा. एवरेज वीकली बैलेंस के लिए यू हैव टू एड ऑल दोज क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाई 12 राइट. तो आप इसको सबको जब जोड़ेंगे 5000 7000 और ये सब पूरा जोड़ के आप करेंगे तो यू विल हैव 45000 एज आंसर एंड इट टू बी डिवाइडेड बाय द 12. तो यू विल हैव दिस 3750 एज एवरेज क्लोजिंग बैलेंस ठीक है. तो इस तरह से आप ये एवरेज क्लोजिंग बैलेंस देने के बाद ये तीनों आप आंसर कर सकते हैं. तो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन जैसे हमने पहले किए वैसे ही है. थोड़ा सा बस ये आपको देखना है कि ये एक तरह से आप कहें कि दो रेंज आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे. दो रेंज यूज कर रहे हैं पेमेंट्स के लिए और रिसिप्ट के लिए. और आपको जो इनिशियल क्लोजिंग बैलेंस इनिशियल बैलेंस दिया है उसको आप आगे कंसीडर करना है और अपना जो क्लोजिंग बैलेंस है वो निकालना है ठीक है.
तो इस तरह से आपका सवाल हो जाता है सिंपल। इसमें प्रोबेबिलिटी को कमलेट करना है, रेंज जनरेट करना है, और रेंज में रैंडम नंबर को अपना देखना है कहाँ पे आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं 29। पेशेंट अराइविंग एट ए ब्लेज डिस्पेंसरी आर ट्रीटेड बाय ए डॉक्टर ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस सर्व बेसिस। तो एक गांव में डिस्पेंसरी है, वहां पे क्या होता है, ये डॉक्टर साहब बैठे रहते हैं और पेशेंट आते हैं, उनको वो जो पहले आता है उसको पहले सर्विस देते हैं। अब यहाँ मैं कुछ टर्म एक्सप्लेन करूंगा आपको, मेरे हिसाब से आपके समझने वाले हैं। द इंटर अराइवल टाइम फॉर द पेशेंट इज नाउन टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 to 80 minutes। अब इसका क्या मतलब है, ये आपको बताने वाली बात है। एक तो ये हो गई, वाइल देयर सर्विस टाइम इज टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 15 to 40 minutes। ठीक है, ये दो चीजें हैं इसमें। अच्छा, इसका मतलब क्या है ये हमें समझना। पहले तो ये देखना है कि जो हमारा पेशेंट के आने का टाइम है वो क्या है, 0 to 80 minutes के बीच का हो सकता है, और सर्विस का जो टाइम है ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हमारा 15 to 40 minutes तक का हो सकता है। इट इज डिजायर टू सिमुलेट द सिस्टम एंड डिटरमाइन द एवरेज टाइम ए पेशेंट हैज टू बी इन ए क्यू फॉर गेटिंग द सर्विस एंड प्रपोर्शन ऑफ टाइम डॉक्टर वुड बी आइडियल। देखो हमें निकालना क्या, सिमुलेट क्या करना है कि पेशेंट को कितनी देर वेट करना पड़ेगा, एक तो ये निकालना है, दूसरा निकालना है डॉक्टर कितनी टाइम खाली रहेगा। आपने देखा होगा कई बार आप देखते होंगे स्टेशन वगैरह पे जाते होंगे, कई जगहों पे बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। आप कहते होंगे यार ये लोग नया विंडो क्यों नहीं खोलते या विंडो एक्सटेंड क्यों नहीं करते। बेसिकली ये मॉडल वहाँ यूज किए जाते हैं। तो अगर आपने प्रॉब्लम को ठीक से सिमुलेट नहीं किया तो आपकी जो क्यूइंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, या कई बार आपका जो मान लिया ऑपरेटर है तो वो खाली रहेगा। तो इस केस में डॉक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो सिमुलेशन कहाँ कहाँ यूज होती है। तो एक इसका यूज ये भी है कि जैसे आप कोई एक फैसिलिटी बनाना चाहते हैं, सर्विस सेंटर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कॉल सेंटर है, वहाँ पे आपका कॉल आने का कुछ पैटर्न होगा, फिर उसको सर्व करने का पैटर्न होगा, तो उन पैटर्न के हिसाब से आप उसको सिमुलेट करते हैं प्रॉब्लम को, जिससे कि वो उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जा सके, राइट। जैसे आप कई बार टिकट विंडो पे जाते हैं, वहाँ आप देखते हैं कि कितना वेटिंग एवरेज टाइम होता है वहाँ पे, है ना। या बैंकों में भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि हमारे यहाँ मैक्सिमम जो सर्विंग टाइम है वो 15 minutes है, मतलब 15 minutes के अंदर आपको अटेंड किया ही जाएगा। तो वो कैसे करते हैं, वो इन सिमुलेशन टेक्निक्स का भी यूज करते हैं। उसके अलावा एक सिंगल सर्विस क्यूइंग मॉडल भी होते हैं, और बहुत सारी मॉडल्स भी होते हैं जो यूज किए जाते हैं, लेकिन ये सिमुलेशन भी यूज किया जाता है। तो यहाँ तो केवल इसमें ये था कि आपको मतलब पेशेंट आने का जो टाइम है वो 0 to 80 minutes के बीच हो सकता है, और डॉक्टर साहब जब देखते हैं उसको तो एक पेशेंट पे वो 15 to 40 minutes के बीच लगाते हैं। ऐसा आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर देखता है कई बार 10 minutes में देख लेता है, और आपने ये भी देखा होगा कि जो वो स्लॉट देता है उनका रिसेप्शनिस्ट, जब आप बात करते हैं उनसे कि मुझे डॉक्टर साहब को दिखाना है, तो वो क्या करता है, मैकेनिकली उसको 15 minutes का या 10 minutes का स्लॉट में एक पेशेंट को अलॉट कर देता है। सपोज जैसे डॉक्टर साहब को 2 घंटे बैठना है, तो वो 15 minutes के मतलब 1 घंटे में 4 patients का के लिए स्लॉट अलॉट कर देगा। अब कई बार होता क्या है, जब वो डॉक्टर देखता है तो कई बार वो 15 minutes भी लगाता है, कई बार वो 20 minutes भी लगाता है, कई बार वो 12 minutes भी लगाता है। तो इस तरह से उसको प्रॉब्लम को फाइन करते हुए जाते हैं, सिमुलेट करते हैं ठीक से, तो हमारा ना तो डॉक्टर साहब ज़्यादा खाली बैठेंगे ना ही पेशेंट को ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो ये इसकी एक अच्छी एप्लीकेशन है जो आपके कोर्स में एक सवाल दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है समझने के लिहाज से कि इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है। चलो ये तो बात हो गई। अब क्या है, कैरी आउट द सिमुलेशन यूजिंग फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ द रेंडम नंबर्स। The number have been selected between 0 to 80 to estimate inter-arrival times and between 15 to 40 to estimate the serving time required by the patient. तो ये सीरीज इन्होंने जो दी है, दो सीरीज, एक में क्या है पेशेंट का अराइवल टाइम है, इंटर अराइवल टाइम है, और दूसरा सर्विस का टाइम है। तो ये जो इन्हीं रेंज के बीच इन्होंने रेंडम नंबर दिए हैं, तो इन रैंडम नंबर्स को यूज करके हमें क्या करना है, उसका वो निकालना है, सिमुलेट करना है प्रॉब्लम को कि डॉक्टर
कितना खाली रहा, एवरेज कितना खाली रहा, या पेशेंट को कितना टाइम वेट करना पड़ा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये जो रेंज है उसी के बीच के रैंडम नंबर दिए हुए हैं इन्होंने, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सिमुलेट करते हैं। चलो, इसमें एक अजम्पशन इन्होंने ली है कि जो स्टार्टिंग टाइम है वो 8 बजे से शुरू हुआ है। इन्होंने एक जस्ट एक अजम्पशन लिया, कुछ भी ले लो, 8 बजे ले लो, 10 बजे ले लो, जो आपका मन करे वो ले लो। वो एक सिंपल उसको एक बेस माना है कि जो स्टार्टिंग टाइम है, मतलब डॉक्टर साहब के बैठने का टाइम कितने बजे है, 8 बजे। तो हुआ क्या, जब 8 बजे दुकान खुली, सॉरी हॉस्पिटल खुला या डॉक्टर साहब का शॉप खुला, क्या बोलेंगे उसको, डॉक्टर जब भी वो मतलब फैसिलिटी ओपन हुई, तो उसमें क्या हुआ कि पहला जो पेशेंट आया वो 7 मिनट बाद आया। पहला पेशेंट जो आया, ये 7 नंबर जो दिया है वो यही लिया है कि इंटर, ये है बेसिकली क्या है कि ये है आपका इंटर अराइवल टाइम ऑफ पेशेंट, ये जो 0 से 80 है। तो पहला पेशेंट कितनी बजे आया, 7 मिनट बाद आया, 8:07 पे वो एंटर हो गया, और डॉक्टर साहब ने उसको कितनी देर देखा, 23 मिनट देखा, ये देखा 23 मिनट। ठीक है, सर्विस टाइम रैंडम नंबर जो उन्होंने लिया, तो सर्विस टाइम जो स्टार्ट हुआ 8:07 पे हुआ, मतलब भाई डॉक्टर साहब 7 मिनट खाली बैठे रहे यहाँ पे। ठीक है, और पेशेंट था नहीं उस टाइम पे, पेशेंट जैसे ही आया वो अंदर चला गया, 23 मिनट डॉक्टर साहब ने लिए, तो 8:30 पे उसको छोड़ दिया। तो पेशेंट को कितना वेट करना पड़ा, कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा, और डॉक्टर साहब कितने खाली रहे, 7 मिनट खाली रहे। दूसरे केस में क्या हुआ, 21 मिनट बाद जो है वो पेशेंट आया। तो जब 21 मिनट बाद आया, यानी कि इस पेशेंट के बाद जब वो 21 मिनट बाद आया, तो वो कब आया होगा, 7:28 पे, 7:28 पे। लेकिन ये देखिए, 8:30 तक तो पहला ही पेशेंट अंदर था, तो उसने क्या करना पड़ा होगा, उसको सर्विस टाइम कितना लिया उसने, अच्छा 37 मिनट लिया। तो जब वो अंदर चला गया तो कितना हो गया, 37 मिनट डॉक्टर साहब ने उस पर टाइम दिया। तो सर्विस टाइम का भी स्टार्ट हुआ उसका 8:30 पे, भाई 8:30 पे जब पेशेंट पेशेंट पहला वाला निकला तभी तो ये वाला एंटर हुआ, तो उसको वेट कितना करना पड़ा, 2 मिनट। लेकिन डॉक्टर साहब को कोई वेट नहीं करना पड़ा, नेक्स्ट पेशेंट तुरंत मिट गया उनको। तीसरे पेशेंट का क्या हुआ, देखिए तीसरे पेशेंट जो आया वो 12 मिनट के बाद आया। तो देखिए 12 मिनट के बाद आया, यानी कि ये 8:28 + 12 तो 8:40 पे आया है, और 16 मिनट इसका सर्विस टाइम लिया। तो ये एंटर कब हुआ होगा, जब ये दूसरा पेशेंट निकला होगा। दूसरा पेशेंट कब निकला, 9:07 पे निकला, और ये आ कब गया था, 8:40 पे। तो यानी कि इसको वेट कितना करना पड़ा, 27 मिनट वेट करना पड़ा। और जैसे ये वाला पेशेंट निकला इधर से, ठीक है, ये वाला पेशेंट जैसे ही निकला, ये थर्ड वाला पेशेंट अंदर चला गया, और डॉक्टर साहब ने इसको 9:23 तक देखा, इसने 27 मिनट वेट किया बाहर, और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया, क्योंकि उनको थर्ड पेशेंट भी एकदम मिल गया। फोर्थ पेशेंट के केस में देखिए क्या हुआ, ये आया 80 मिनट बाद, यानी कि 80 मिनट बाद, 8:40 के बाद जब ये आया, तो ये 10 बजे आया, मतलब इसके बाद 8:40 पे थर्ड पेशेंट आया था, उसके 80 मिनट बाद ये आया, तो 10 बजे आया। ठीक है, और इसको सर्विस टाइम कितना मिला, डॉक्टर साहब ने सर्विस टाइम कितना दिया, 28 मिनट, 28 मिनट दिया। तो ये इसके लिए एंट्री टाइम कितना हुआ होगा, 10 बजे। लेकिन ये वाला जो पेशेंट था थर्ड वाला, वो तो जा चुका था कितना, 9:23 पे ही जा चुका था, यानी कि डॉक्टर साहब खाली बैठे रहे होंगे 10 बजे तक, डॉक्टर साहब खाली बैठे रहे होंगे 10 बजे तक। अब क्या है, इसको तो पेशेंट को तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, जैसे ही आया तुरंत अंदर चला गया, है ना। तो इस तरह से ये सिमुलेट हो रहा है। आगे हम देखेंगे, देखिए अगला जो पेशेंट आया 8 मिनट बाद आया, और उस पे सर्विस टाइम कितना लगा, 30 मिनट लगा। तो ये अगले पेज पर देख चलते हैं। अगला पेशेंट 8 बजे आया, तो इसमें 10:08 पे यानी कि आया, और इस पे जो टाइम दिया डॉक्टर साहब ने वो 30 मिनट दिया। तो इसमें एंट्री कितने बजे हुई होगी, इस पे 10:28 पे इसकी एंट्री हुई, क्योंकि देखिए पहला जो ये पेशेंट निकलेगा तभी तो ये जाएगा अंदर है। तो ये आया था 10:28 पे, और एंट्री हुई कि इसकी कितनी, 10:28 पे। तो ये 20 मिनट बाहर खड़ा रहा होगा बेचारा, ठीक है, तो इसका वेटिंग टाइम कितना हो गया, 20 मिनट, और डॉक्टर साहब को वेट करना पड़ा, नहीं उनको पेशेंट ये मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या हुआ,
नेक्स्ट में है 3 और 18, राइट। तो नेक्स्ट में 3 मिनट बाद अगला पेशेंट आ गया, तो ये 10:08 पे आया था इससे पहला, ये 3 मिनट बाद आ गया, यानी 10:11 पे आ गया। और इसको सर्विस टाइम कितना मिला, डॉक्टर साहब ने कितनी देर देखा इसको, 18 मिनट देखा। तो इसकी एंट्री टाइम कब शुरू हुई होगी, जब ये पेशेंट निकला होगा, ये आ गया था 10:11 पे और ये वाला पेशेंट निकला 10:58 पे, तो इसको बेचारे को वेट करना पड़ा 47 मिनट। और ये एग्जिट कब हुआ होगा, 10:16 पे, भाई जब ये 10:58 प्लस 18 मिनट्स, तो इसको कितना वेट करना पड़ा पेशेंट को, 47 मिनट। और डॉक्टर साहब को कितना वेट करना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं वेट करना पड़ा, उनको पेशेंट नेक्स्ट मिल गया। 7 नंबर पे देखते हैं, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32 and 25। तो देखिए ये वाला है 7 नंबर पे। अगला पेशेंट जो है 32 मिनट बाद आया, तो जो ये था देखिए 10:11 पे ये आया था 6 नंबर वाला पेशेंट, तो इसके 32 मिनट बाद जो है 7वें नंबर का पेशेंट आ गया, तो ये 10:43 पे आया। डॉक्टर साहब ने इसको कितना टाइम लगाया, 25 मिनट लगाए। तो ये एंट्री कब किया होगा, एंट्री जब किया होगा, जब ये निकला होगा यहाँ से, तो ये निकला कितने बजे, इससे पहला पेशेंट 11:16 पे, 11:16 पे, तभी ये बेचारा एंट्री किया होगा। और ये आ गया था 10:43 पे, सॉरी ये कब आ गया था, ये आ गया था 10:43 पे, है ना, ये आ गया था 10:43 पे। और एंट्री इसको कब मिली, एंट्री इसको मिली आपका 11:16 पे, तो इसने कितना वेट किया, 33 मिनट वेट किया, ठीक है। और फिर ये निकला कब होगा, 10:16 पे एंट्री, और 25 मिनट डॉक्टर साहब ने इसके लिए, तो ये 11:41 पे निकल गया, ठीक है। इस तरह से ये करेंगे। अच्छा अगला देखते हैं, अगला रैंडम नंबर, या तो यहीं से देख लेते हैं, अगले रैंडम नंबर मान लो ये 65 और आपका ये होगा 34, ठीक है। तो अगला पेशेंट कितनी बार देर बाद आया, यानी कि 8वें नंबर का पेशेंट कितनी देर बाद आया, 65 मिनट बाद आया। तो 10:30 पे आया था, इसके 65 मिनट अगर इसमें ऐड करेंगे तो 11:48, यानी कि 11:48 पे आया। और डॉक्टर साहब ने इसका कितना टाइम लिया, 34 मिनट इसको देखा, देखने में लिया। तो रियल में ये एंट्री कब किया होगा, भाई यहाँ तो ये चला गया पेशेंट, ये चला गया पेशेंट 11:41 पे, और ये आया कब, 11:48 पे, यानी कि सीधे अंदर गया होगा, और डॉक्टर साहब 7 मिनट खाली बैठे रहे होंगे यहाँ पे, है ना। जब इन्होंने इसको देखा, 34 मिनट और लगाए, तो 10:48 पे आया, 34 मिनट डॉक्टर साहब ने लगाए, तो ये 12:22 पे बाहर निकल गया। नेक्स्ट पेशेंट जो आया वो कितनी देर बाद आया, 43 मिनट बाद आया, यानी कि 11:45 + 11:48 + 43 = 12:31 पे आया। और डॉक्टर साहब ने इसको कितने मिनट लगाए देखने के लिए, 19 मिनट लगाए। तो यहाँ देखिए 12:22 पे निकल गया था ये वाला पेशेंट इससे पहला, 8वें नंबर का। 9वें नंबर का पेशेंट आए 12:31 पे, तो ये सीधे अंदर चला गया होगा, है ना भाई, कोई पेशेंट वेट कर ही नहीं रहा है, तो सीधे चला गया अंदर। और इसको 19 मिनट डॉक्टर साहब ने देखा, तो 12:50 पे ये बाहर निकला। लेकिन देखिए ये 12:22 पे निकल चुका था इससे पहला पेशेंट, और ये 12:31 पे आया, यानी कि 9 मिनट डॉक्टर साहब खाली बैठे रहे, कोई भी पेशेंट उनके पास नहीं था। लास्ट पेशेंट जो है 74 मिनट बाद आया, यानी कि 12:13 + 74 मिनट्स आप करेंगे तो इट विल बी 1:45 PM, दोपहर हो गया है, अब 2 बजे डॉक्टर साहब उठ जाएंगे मुझे लगता है। चलो ये आपका हो गया, तो ये 1:45 पे ये जो है आया पेशेंट, लेकिन ये इससे पहला पेशेंट कब चला गया था, इससे पहला पेशेंट तो चला गया था 12:50 पे, यानी कि इन दोनों के बीच कितना गैप है, 55 मिनट का। डॉक्टर साहब के पास कोई मरीज नहीं था 55 मिनट तक, जब भी आया तो डॉक्टर साहब ने इसके 21 मिनट लिए, और ये फिर 1:45 पे बेचारा एंट्री किया, और 2:06 पे इसका डॉक्टर साहब ने इसको छोड़ दिया, तो ये चला गया। पेशेंट को कितना वेट करना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं वेट करना पड़ा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने सिमुलेट की। अब ये कह क्या रहे थे, बेसिकली ये कह रहे थे कि आपको बताना है कि इनमें देखना है, डिजायर टू सिमुलेट एंड डिटरमाइन द एवरेज टाइम पेशेंट हैज टू बी
इन क्यू फॉर गेटिंग द सर्विस एंड द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम विच वुड बी द आइडियल। डॉक्टर का खालीपन कितना है और पेशेंट का, भाई डॉक्टर खाली रहे एक तो वो इशू है, डॉक्टर को खाली नहीं रहना चाहिए और पेशेंट को वेट कर ज्यादा ना करना पड़े, ये दो उद्देश्य हैं इसके। तो देखिए एवरेज टाइम कितना है पेशेंट का, तो ये सब आपने जैसे पहला पेशेंट को कोई टाइम नहीं वेट करना पड़ा, दूसरे वाले को 2 मिनट वेट करना पड़ा, तीसरे वाले को 27 मिनट, चौथे को कुछ नहीं, पांचवे को 20 मिनट, छठे को आपका 47 मिनट और सातवें को 33 मिनट। तो ये 129 मिनट वेट करना पड़ा अलग अलग पेशेंट को टोटली, और टोटल पेशेंट कितने आए थे, 10 पेशेंट आए थे, तो 12.9 मिनट एवरेज टाइम आ गया आपका। ठीक है, एवरेज टाइम कितना आ गया, 12.9 मिनट ये पेशेंट के लिए। ये तो बात ये हो गई, उद्देश्य क्या होता है कि पेशेंट को वेट नहीं करना चाहिए ज्यादा, है ना, उसको सर्विस मिल जानी चाहिए जैसे ही वो आए, जैसे उसको वो आए उसको सर्विस मिलना चाहिए। अच्छा, और डॉक्टर साहब भी खाली नहीं बैठना चाहिए भाई, वो उनका टाइम भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले जब डॉक्टर साहब का क्लिनिक खुला तो 7 मिनट उनको खाली बैठना पड़ा, कोई भी पेशेंट नहीं आया, अगले में फिर उन्हें 37 मिनट यहाँ पे खाली बैठना पड़ा, तीसरे और चौथे के बीच में, फिर उनको यहाँ 7वें और 8वें के बीच में 7 मिनट खाली रह गए डॉक्टर साहब, फिर ये 8वें में भी 9 मिनट खाली रह गए, और 55 मिनट तो ये यहाँ रह गए खाली। तो टोटल 115 मिनट, 10 पेशेंटों के टाइम में 115 मिनट जो है डॉक्टर साहब खाली बैठे रहे, तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया, 11.5 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सिमुलेट की है कि एवरेज टाइम आपका कितना रहा, एवरेज वेटिंग टाइम फॉर डॉक्टर और एवरेज वेटिंग टाइम फॉर पेशेंट। बेसिकली ये आइडियल टाइम आना चाहिए, वेटिंग टाइम नहीं आना चाहिए, आइडियल टाइम होना होता है, वेटिंग टाइम तो गलत वर्ड यूज हुआ है। एनीवे, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, और ये इन्होंने 8 बजे एज्यूम किया है जिससे ये टाइमली प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकें। आप इसको 10 बजे यूज कर सकते हैं, जो आपको मन करे उतने टाइम आप अपना डॉक्टर साहब शॉप खोल सकते हैं, अलग अलग टाइम हो सकता है शॉप खोलने का डॉक्टर साहब का, अपनी क्लिनिक खोलने का, शॉप में गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, तो सिमुलेशन में इस तरह के सवाल आते हैं, और आई बिलीव के एक ये आपके एग्जामिनेशन में आता रहता है, तो मैंने ये आपको कराया। अब ये थोड़ा बड़ा सवाल होगा आई बिलीव। अब एक काम करते हैं, मैं नेक्स्ट आपको एक क्लास डिलीवर करूँगा जिसमें प्रोबेबली मैं आपको सिमुलेशन कोशिश करूंगा कि निबट जाए, नहीं तो 2 क्लास में हम इसको, वी विल फिनिश द सिमुलेशन। तो थैंक यू वेरी मच।